भगवान बुद्ध की सच्ची शिक्षाओं का अध्ययन करने वाले तिब्बती लोग ईश्वर की कृपा या अनुग्रह नहीं चाहते, वे केवल इतना चाहते हैं कि अन्य लोग उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। ईश्वर ही सबसे बड़ा न्याय का देवता है। वह किसी पर भी बेवजह कुछ नहीं करता और ना ही कोई भेदभाव। उसके लिए सभी इंसान एक जैसे हैं। यदि ईश्वर किसी एक इंसान से प्रेम करता है और दूसरे से नहीं, तो यह न्याय के खिलाफ नहीं होगा क्या? कई लोग धन दौलत के लिए, संतान के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए ईश्वर के नाम पर दान करते हैं, इसी हेतु से उसकी पूजा भी करते हैं। और कई अमीर लोग भगवान की मूर्ति पर सोने की कीमती आभूषण चढ़ाते हैं ताकि ये सब करके उनकी प्रार्थना पूरी हो सके। इस प्रकार की गई प्रार्थना यदि भगवान पूरी करते, तो सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाने वाले या ज़्यादा से ज़्यादा दान करने वाले मोक्ष ही पा जाते। और ऐसा लगेगा मानो ईश्वर के पास धन की कमी है और उसे खरीदा जा रहा है। एक इंसान दूसरे के प्रति करुणा दिखा सकता है, लेकिन ऐसा वो कभी कभार ही करते हैं मुश्किल से। भगवान केवल न्याय दे सकते हैं। हमारा शरीर जरूर नश्वर है, लेकिन आत्मा तो अमर है। वो कहते हैं हमारी प्रार्थना ओम मणि पद्मे हम, इसका मतलब होता है कमल में वास करने वाले मणि की जय हो। और इसका वास्तविक अर्थ है मनुष्य के चैतन्य की जय हो। उनका दूसरा मंत्र ओम नमो ज्याध्या आत्मरूपा, मतलब आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार कोई दिन के अंत में अपनी वस्त्र बदलता है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा शरीर बदल लेती है। और वास्तव में मृत्यु ही जीवन है। मृत्यु का अर्थ है अस्तित्व के दूसरे तल में जन्म लेना। मनुष्य की आत्मा शाश्वत है। बाहरी रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, भीतरी आत्मा मायने रखती है। जैसे एक महान संत किसी फकीर के चोले में भी आ सकता है, उसी प्रकार कोई पापी इंसान अपने पहले किए हुए अच्छे कर्मों के फलस्वरूप इस जीवन में अमीर इंसान के रूप में जन्म ले सकता है। अर्थात कुदरत उस इंसान की परीक्षा लेती है कि अमीर बनने के बाद वो इंसान पाप से कैसे दूर रहेगा। जीवन का चक्र वह है जिसे हम जन्म लेना, उसी जगत में जीना मरना, आत्मा की अवस्था में पहुंचना और कुछ समय बाद अलग अलग परिस्थितियों और हालातों में पैदा होना कहते हैं। एक इंसान को जीवन में कितने भी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसने पिछले जन्मों में कई सारे पाप किए हैं। हो सकता है कि कष्टों का सामना करके वो इस जन्म में और अधिक परिपक्व हो जाएगा, और अधिक मैच्योर हो जाएगा। यह कुदरत के सिखाने का एक तरीका है। वह इंसान को दुख और कष्ट देकर जीवन के लेसन सिखाना चाहती है। कष्टों का सामना करके इंसान एक्सपीरियंस लेता है, क्योंकि सुनने की बजाय जो ज्ञान हमें एक्सपीरियंस से मिलता है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। उस पर हम अच्छे से यकीन कर पाते हैं। आत्महत्या करने वाला दोबारा जन्म पा सकता है ताकि पिछले जीवन के छूटे हुए वर्षों का लेखा जोखा पूरा हो सके, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अल्पायु में मरने वाले किशोर या जन्म के साथ ही मरने वाले बच्चे अपने पहले जन्म में आत्महत्या करने वाले थे। जीवन का चक्र सभी पर लागू होता है, चाहे वो राजा हो या रंक, पुरुष हो या स्त्री, गोरे हो या काले। जीवन का चक्र एक प्रतीक है। तिब्बती मान्यताओं को इन चंद लाइनों में नहीं समझाया जा सकता। लामा मठों में अनेक ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां यानी गुप्त पुस्तकें रखी हैं, जिन्हें सिर्फ दीक्षित लामा ही देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। कई वर्षों से, सदियों से वो लोग विभिन्न तरह के हिडन स्पिरिचुअल पावर्स को जानते हैं, उन नियमों को जानते हैं। कई लोग थर्ड आई की पावर पर डाउट करते हैं। अगर हम कहें तो वे उन जन्मजात नेत्रहीनों की तरह हैं जो कहते हैं कि देखना असंभव है, क्योंकि उनके पास देखने का अनुभव नहीं है, क्योंकि वे ये नहीं समझ सकते कि कुछ दूरी पर रखी हुई वस्तु हमारी आंखों के बीच प्रत्यक्ष कोई संपर्क नहीं है, तो उसे कैसे स्पष्ट रूप से और आसानी से देखा जा सकता है। हर इंसान का एक ऑरा होता है, अलग अलग रंगों से बना, और ये इंसान के चारों ओर, शरीर के चारों ओर घेरे रहता है।
और ऑरा को देखने की कला में माहिर लोग उन रंगों की गहनता के आधार पर बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसकी सेहत कैसी है और उसकी आत्मा का स्तर क्या है। सर के आसपास एक हैलो होता है। जब मृत्यु होनी होती है उस समय यह प्रकाश मंद हो जाता है और आत्मा शरीर का त्याग कर अस्तित्व की अगली अवस्था की यात्रा की ओर चल देती है। उस समय यह प्रेत बन जाती है थोड़े समय के लिए, और शरीर छूटने से वो थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाती है। हो सकता है कि उसे पूरी तरह समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। यही वजह है कि मरणासन्न रोगी के पास लामा बैठते हैं और उसे दिशा दिखाते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। तिब्बत में आत्माओं के लिए प्रार्थना सभा की जाती है। तिब्बती लोगों को मृत्यु से कोई भय नहीं होता, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कुछ सावधानियों का पालन किया जाए तो किसी इंसान की एक से अगले जन्म तक की यात्रा को आसान बनाया जा सकता है। तिब्बत में यह प्रार्थना लगभग 300 लामाओं की उपस्थिति में की जाती है और वो टेलीपैथी के जरिए आत्मा से कनेक्ट करते हैं और उन्हें रास्ता दिखाते हैं। और उनकी प्रार्थना कुछ इस तरह की होती है कि जो भी लोग पृथ्वी पर भटक रहे हैं, हमारी आत्माओं की पुकार सुनो। जीवित और मृतक दोनों अलग अलग संसारों में रहते हैं और वहाँ उनके चेहरे कैसे देखे जा सकते हैं और उनके स्वर कहाँ से सुने जा सकते हैं। इसीलिए इस तरह से एक लंबी प्रार्थना के जरिए भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं ताकि वो अपने अलग डायमेंशन में जा सकें। और मानसिक संदेश देने वाले लामा तब तक अपनी ओर से टेलीपैथी जारी रखते हैं जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हो जाता कि भटकती हुई आत्मा को प्रेत लोक से मुक्ति मिली है और वे अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चल दी हैं। इसके बाद धीरे धीरे संदेशों को भेजना बंद कर दिया जाता है। तिब्बत में ये दृढ़ मान्यता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, लेकिन वह जन्म पृथ्वी पर ही होगा ऐसा नहीं है। पृथ्वी के समान ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों संसार हैं और हम जानते हैं कि उनमें से अधिकतर ब्रह्मांडों पर जीवन है। हो सकता है कि वहाँ के रहने वाले हमसे बिल्कुल अलग हों, या हो सकता है कि वो इंसानों से कहीं गुना बेहतर हों। तिब्बत में रहने वाले लोग ये नहीं मानते कि मनुष्य ही अस्तित्व का सबसे श्रेष्ठ और महान स्वरूप है। वो कहते हैं हमारा विश्वास है कि हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड यूनियाँ दूसरी जगह पर पाई जाती हैं और वे हमारी तरह बम नहीं गिराते। लोबसांग कहते हैं कि मैंने तिब्बत में आकाश में विचित्र प्रकार के वाहन दिखने के पुराने दस्तावेज, जिन्हें हम लिखित प्रमाण कहते हैं, देखे हैं और अधिकतर लोग उन्हें देवताओं के वाहन का नाम देते हैं। लामाओं के एक दल ने इन देवों के साथ मानसिक वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा कि वो धरती देख रहे हैं, शायद वैसे ही जैसे हम मनुष्य किसी चिड़ियाघर में जंगली और खतरनाक जानवरों को देखते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस लगती है। और वैसे भी जब हमारे पास आज के समय में इतने सरल तंत्र मौजूद हैं तो आकाश में उड़ने की आवश्यकता भी नहीं। शरीर से बाहर आकर चलने की कला यानी सूक्ष्म शरीरीय यात्राएं, एस्ट्रल ट्रेवल, काफ़ी सरल हैं। अधिकतर लामा इसे करते हैं और जो भी इसे पूरे धीरज के साथ करने के लिए तैयार हों, यह उसके लिए एक उपयोगी और सुखद कला हो सकती है। जब तक हम अर्थ पे हैं इस जागृत अवस्था में, हमारी आत्मा इस फिजिकल बॉडी से बहुत कनेक्टेड होती है, और जब तक एक प्रशिक्षण ना दिया गया हो तब तक इसे अलग करना संभव नहीं। जैसे जब हम नींद लेते हैं तो केवल फिजिकल बॉडी को ही आराम की ज़रूरत होती है, आत्मा को नहीं। आत्मा उस समय सूक्ष्म जगत में घूमती है और तभी हमें अलग अलग तरह के सपने आते हैं। सोल और फिजिकल बॉडी एक दूसरे से सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है, और जब डेथ होती है तो ये सिल्वर कॉर्ड टूट जाता है और आत्मा आज़ाद हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नए बच्चे को माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को अलग किया जाता है। एक शिशु के जन्म का मतलब होता है कि माँ की देह में, जिस सुरक्षित आवास में वो रह रहा था, उस पल की मृत्यु,
आत्मा के लिए मृत्यु का अर्थ है कि उसे आत्माओं के उस लोक में जन्म लेने का फिर से अवसर मिलता है। जब तक ये कोड कनेक्टेड रहता है, आत्मा नींद के दौरान कहीं भी स्वतंत्र घूम सकती है। और अगर किसी ने ऐसा प्रशिक्षण लिया हो तो उसे नींद की आवश्यकता भी नहीं, वो सचेत होकर भी अपने देह से बाहर होने का अनुभव ले सकते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल अगर किसी के नियंत्रण में और पूरी जागरूकता से किया जा रहा हो तो ये लगभग हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। परंतु सबसे ज़रूरी यह है कि शुरुआत में इसके लिए थोड़ी गोपनीयता बरतनी होती है, जिसमें इंसान बिना किसी बाधा के अकेला हो सके। लेकिन जिन लोगों का दिल कमज़ोर हो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। तिब्बतियों का मानना है कि हर मनुष्य के पास ये सारी पावर्स होती हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने इन विद्याओं का दुरुपयोग किया और इसीलिए ये सब समाप्त हो गया। आरंभिक दिनों में मनुष्य जाति टैलीपैथी के माध्यम से बात कर सकती थी और फिर इंसान के दिमाग से ये सब भुला दिया गया। लोपसांग कहते हैं कि मुझसे हमेशा ये पूछा जाता रहा कि अगर तुम अपने जीवन की सभी परेशानियों, मुसीबतों और कठिनाइयों को पहले से जानते हो जिनकी भविष्यवाणी की गई है, तो तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं सकते। इसका सीधा सा जवाब यही हो सकता है कि यदि हमने भविष्यवाणियों को छोड़ दिया होता तो उन्हें छोड़ देने का एकमात्र तथ्य ही उन भविष्यवाणियों को गलत सिद्ध कर देता। तो भविष्यवाणी एक संभावना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। अगर पहले से ही पता है कि रास्ते में बाधाएं हैं तो उस रास्ते से जाते समय सावधानी रख सकते हैं, धीमे धीमे चल सकते हैं। तो भविष्यवाणियों के साथ भी ऐसा ही है, आसान और नरम रास्ते को अपनाना हमेशा लाभदायक नहीं होता। हम सब धरती पर सीखने आते हैं और जब हम सीख रहे होते हैं तो जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हमें अनावश्यक लगते हैं, निरर्थक लगते हैं और हम इनसे ऊब जाते हैं। स्कूल में ऐसा ही तो होता है, परंतु जब हम पढ़े होते हैं तो उन्हीं दिनों को याद करते हैं। हमारा जीवन भी एक स्कूल है, इसमें अच्छे बुरे दोनों पड़ाव आते हैं जिनसे हमें सबक सीखकर आगे बढ़ना है। अपने जीवन के सबक हमें ही सीखने हैं, किसी दूसरे को नहीं। जैसे स्कूल में विशिष्ट रंग का लामा पोशाक या कोई मेडल मिला हो उसे देखकर हमें गर्व का अनुभव होता है, और उसी प्रकार जब हम पृथ्वी की स्कूल को छोड़कर जाते हैं तो अपनी ऑरा के साथ हम गर्व का अनुभव करते हैं। तिब्बती मान्यताओं में अवतार शब्द को बहुत मान्यता दी जाती है। इसका प्रक्रिया क्या है? किसी बच्चे के माता पिता यदि उसके व्यवहार से ये सोचते हैं कि उनका बच्चा आम बच्चों से कहीं अधिक ज्ञान रखता है या उसके पास कुछ खास यादें हैं जो सामान्य तौर पर बच्चों में नहीं होती, तो वे मठ में जाकर प्रधान लामा को इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर प्रधान लामा उस बच्चे की पूरी तरह से जांच करते हैं, उस बच्चे के जीवन के पूर्व की जन्म पत्रियां तैयार की जाती हैं, उसके शरीर पर कुछ निश्चित चिन्हों की जांच की जाती है, उसके हाथ, कंधों और पैरों पर वो चिन्ह देखे जाते हैं। अगर ये दिखाई दे तो इनसे सुराग मिलता है कि बालक पिछले जन्म में किसी महापुरुष का अवतार रहा होगा, और यह भी हो सकता है कि लामाओं का कोई दल ही उसे पहचान ले, जैसा कि लोपसांग के साथ हुआ। और ऐसे मामलों में उसके पिछले जन्मों को इस्तेमाल किया जाता है या फिर उन जन्मों में इस्तेमाल किया हुआ उसका कुछ सामान पता किया जाता है। उस सामान को दूसरे सामान के साथ रखा जाता है और जो दिखने में उसके जैसे ही हो, और फिर उस बच्चे को सारे सामान में से अपने पिछले जन्म के सामान को खोज कर दिखाना होता है। उसे 3 साल की आयु में ये सब करना होता है, और इस आयु तक का बच्चा आसानी से माता पिता के प्रभाव में नहीं होता, और ऐसा कह सकते हैं कि उसे किसी भी तरह से बहकाया नहीं जा सकता। बच्चा जितना छोटा हो उतना ही बेहतर माना जाता है। दरअसल इस बात से अंतर भी नहीं पड़ता कि उसके माता पिता ने उसे कुछ सिखाया पढ़ाया ना हो, क्योंकि जब बच्चे का चुनाव होता है तो वे लोग उस जगह पर मौजूद नहीं होते, और बच्चे को लगभग 30 वस्तुओं में से अपने पिछले जन्म की 9 वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। अगर वह 2 वस्तुएं भी गलत चुन ले तो उसके चुनाव को असफल माना जाता है। अगर वह सफल हो जाता है
तो एक भूतपूर्व अवतार के रूप में उसका पालन पोषण होता है और उसकी शिक्षा पर जोर दिया जाता है। उसके सातवें जन्मदिन पर उसके भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है, क्योंकि वह उस आयु तक सब सीखने और समझने योग्य हो जाता है। और ये मेरा अपना अनुभव है।